तो ये है हमारे पास चुंबक। तो आज हम करने वाले हैं चुंबक के साथ एक्सपेरिमेंट। जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट हैं वो हम सभी प्रकार के एक्सपेरिमेंट इस चुंबक के साथ करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिक्की के एक्सपेरिमेंट्स पर। प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चुंबक के साथ आज हम वर्ल्ड सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट। और भी सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक है बड़ी सी मैग्नेट और एक है माचिस, जो कि हम इन माचिस की तीलियों के साथ करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। तो इस माचिस से हम 5 तीलियां निकाल लेंगे। बारी बारी से इन 5 तीलियों को हम निकाल लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हो, मैंने 5 तीलियां निकाल ली हैं। ये तीलियां चिपक नहीं रही हैं, इस मैग्नेट से ये तीलियां चिपक नहीं रही हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने अपनी 5 तीलियां जला ली हैं। तो हम देखते हैं ये मैग्नेट का काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैग्नेट का काम कर रही है। ये हमारी तीली मैग्नेट का काम अच्छी तरह से कर रही है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये सभी प्रकार की तीलियां ये मैग्नेट का काम कर रही हैं, देख लीजिए। जब हमने इनको जलाया तो ये मैग्नेट का काम करने लगी, और जब ये सिंपल सी नॉर्मल तीलियां थीं तब मैग्नेट का काम नहीं कर रही थी। अब ये मैग्नेट का काम कर रही हैं, ये देख लीजिए, अच्छी तरह से मैग्नेट का काम कर रही हैं। तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, हमारी 4 तीलियां एक साथ चिपक चुकी हैं और ये मैग्नेट का काम कर रही हैं।
जैसा कि देख रहे हो मैंने मैग्नेट को बांध लिया है अच्छी तरह से, तो आप देख सकते हो इसके नीचे कुछ नहीं है और ये सीधा सरफेस पर रखी हुई है ये मैग्नेट। ये देख लीजिए सरफेस पर है मैग्नेट। तो अब हम इस मैग्नेट को इसके नीचे रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैग्नेट किस प्रकार से वर्क कर रही है। तो जब मैंने इस मैग्नेट को नीचे से रखा तो ये मैग्नेट पूरी ऊपर उठ चुकी है, इसके चारों ओर चुंबकत्व कार्य कर रहा है, मैग्नेट कार्य कर रहा है इनके चारों ओर। देख लीजिए जब हम इस मैग्नेट को हटाते हैं तो ये नीचे गिर जाती है। तो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट चार सुइयों और एक मैग्नेट से होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस जो ये दफ्ती सी लगी हुई है जिसमें मैंने चारों सुइयों को अच्छी तरह से बांध रखा है और एक मैग्नेट के द्वारा मैंने चिपका दिया है। तो जैसे जैसे इस बॉक्स को मैं आगे की ओर खींचूँगा देख लीजिए लटकने लगती हैं। तो ये आप मैग्नेट देख सकते हो ये लटक रही हैं क्योंकि ये मैग्नेट का काम चुंबकत्व का काम हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे इनको और खींचेंगे। तो आपको जैसा कि कैमरे में ना नज़र आता हो तो मैं इस ये हमारे पास एक कागज़ की में हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये मैग्नेट का काम कर रही है, देख लीजिए मैंने इसको नीचे की ओर मूव कर दिया है फिर भी ये मैग्नेट का काम कर रही है, देख लीजिए ये अच्छी तरह से मैग्नेट का काम कर रही है। अब हम देखते हैं इसको जलाकर। तो जैसा कि देख सकते हो जब मैंने तीली से एक सुई को गर्म किया तो इसका चुंबकत्व ख़त्म हो गया और ये तीली नीचे गिर गई। इसका चुंबकत्व ख़त्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है तो हमको कमेंट में बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे।